नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564090906089752345 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 68 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के लिए हमारे पे कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, आप उसमें एडमिशन लेना अगर चाहें तो नीचे देखिए नंबर होंगे, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और उसी क्रम में यहाँ पे आपको जो है हम अपनी पेड कोर्सेज पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उस पर वीडियो सीरीज भी दे रहे हैं, तो उसी क्रम में इसको जो है अगला वीडियो हम लेकर के आ गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज की, ठीक। देखिए, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह के द्वारा साहिब ए आलम, ठीक है, तो ये टाइटल ध्यान रखिएगा, साहिब ए आलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था इनको, बख्त खान, ठीक है। तो यहाँ पे पांचों ऑप्शन देख के चलेंगे हम, ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक। जैसे 1857 की जो क्रांति थी तो उसमें इंडियन फोर्सेस जो थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, तो उसके कमांडर इन चीफ थे, ठीक है, बख्त खान। तो ध्यान रखेंगे टाइटल यहाँ पे दिया गया था। इसमें देखिए कौन सा सुमेलित है ये बताना है, तो कुछ हमारे भारत के फेमस जो है संगीत जो वाद्य यंत्र होते हैं तो उसके जो है वादक हैं वो लिखे हैं और जो वाद्य यंत्र होता है वो लिखा है। तो विलायत खान जो है संबंधित है सितार से, अल्लाह रखा ये जो फेमस तबला वादक है, हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक है, अमजद अली खान जो है ये ग्वालियर घराने संबंधित है, ये बेसिकली सरोद प्लेयर है, ठीक है, सरोद पखावज के नहीं है। तो तीन इसमें ठीक है, एक गलत था, तो इसमें जो है यहाँ से मोर देन वन वाला जो ऑप्शन है इसको चूज कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, ठीक। तो देखिए स्वराज पार्टी जो है इसकी फाउंडेशन की थी यहाँ पे आपका जो है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में, ठीक, तो ये दोनों लोग तो एसोसिएटेड हैं, ठीक, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से जो संबंध रखते थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, तो इन सबको नो चेंजर्स की संज्ञा दी जाती थी, ठीक है, तो जो मांगे स्वराज पार्टी वालों की थी उससे ये लोग जो है सहमत नहीं थे। तो इसमें यहाँ से दो लोग इसमें मिली जाएंगे हमको, तो नन ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन है इसको चूज करेंगे, ठीक है। एनडीबी यानी कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, तो इन्होंने अभी हाल ही में डीजे पांडियन को इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, ठीक है, ये यहाँ गिफ्ट देखिए हिंदी में लिखा है परंतु जैसे ये इंग्लिश में लिखा होता है, तो इसका फुल फॉर्म है क्या होता है कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटी, टेक सिटी, ठीक है। तो यहाँ में जो इसका एनडीबी का जो रीजनल ऑफिस है क्षेत्रीय कार्यालय, इसका भी हाल ही में महानिदेशक जो है डीजे पांडियन को नियुक्त किया गया है, तो यहाँ तक के स्टेटमेंट में ये कहा गया। तो दूसरा पूछ रहे हैं कि जो स्थित है, तो यहाँ पे जीआईएफटी सिटी जो हमारी है इसमें ही नियुक्त किया गया इनको, डीजे पांडियन को, तो ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में तो है, ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में चीनी के उत्पादन में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है ये बताना है, ठीक है। तो शुगर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो है 5 वर्षों के बाद अब उत्तर प्रदेश को पीछे करके टॉप पोजीशन पे आ गया महाराष्ट्र, तो इसको ध्यान रखेंगे, इसमें जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस शहर में स्थित इंडियन ऑयल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, ये जो पेट्रोलियम कंपनी आप देखते हैं ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो उन्हीं का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जिसने स्वदेशी सोलर कुकर जिसका नाम दिया गया सूर्य नूतन, ठीक है, इसको विकसित किया है। तो ये बेसिकली जो है यहाँ स्थित है आपका हरियाणा के फरीदाबाद जो सिटी है दिल्ली एनसीआर में, वहां पर, ठीक है। तो इंडियन ऑयल का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, उन्होंने एक सोलर कुकर डेवलप किया है जिसका नाम है सूर्य नूतन, तो इस टर्म को ध्यान रखिएगा, ये नाम देकर के पूछा जा सकता है आपसे। देखिए एक चीज ये ध्यान रखिएगा, किसी चीज की अगर जैसे एग्जाम में थीम पूछी जाती है तो उसका इंग्लिश वर्जन आप प्रेफर किया करिए पढ़ने में भी, क्योंकि हिंदी में कई बार जो है ट्रांसलेशन गलत दिया होता है क्वेश्चन पेपर में भी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात करें कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 जो है, तो इसका थीम क्या था, ओनली वन अर्थ, ठीक, तो इसके साथ ये कब मनाया गया है अभी हाल ही में, तो जो एनवायरमेंट डे होता है 5 जून को होता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक, डी ऑप्शन। बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, जो एक्वाटिक एनिमल डॉल्फिन्स होती हैं, ठीक है, तो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है डेवलप किया जा रहा है, तो इसकी लोकेशन हमको बतानी है, ठीक, तो ये पटना में जो है यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी में रिवर गंगा के कह लीजिए बैंक्स पे इसको बनाया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन। भारत सहित 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाला एक बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास जिसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट, ठीक है, 2022, तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो है एक्स खान क्वेस्ट, तो ये आयोजित किया गया था अभी जो है जून के महीने में 2022 में मंगोलिया में, ठीक है, भारतीय जो इंडियन आर्मी है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें।
यूनेस्को ने दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व जिसका नाम है मुरादरावा डेन्यूब, ठीक है, इसको घोषित किया है। तो इसका संबंध किस देश से नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो जैसे इंडिया में भी आप बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ते हैं तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व इसलिए है कि यूरोप में बेसिकली क्या है कि देशों जितने भी देश हैं छोटे छोटे से ही हैं, ठीक है। तो वैसे 5 देशों की बाउंड्री से संबंधित कह लीजिए हमारा ये है जो बायोस्फीयर रिजर्व मुरादरावा डेन्यूब, तो इसमें संबंधित है ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, इसके अलावा जो है क्रोएशिया भी है, इसमें अल्बानिया नहीं है, ठीक है, 3 के अलावा हंगरी है और सर्बिया है, ठीक। तो इन देशों के नाम ध्यान रखेंगे, इसमें से हम जो है डी ऑप्शन को चूज करेंगे। किस राज्य की ईतू मंडल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे कम उम्र, 13 साल की उम्र थी इनकी लगभग, तो इसकी कबड्डी खिलाड़ी बनी है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो यूथ गेम्स हुए हैं उसमें ये पार्टिसिपेट किया था इन्होंने और ये संबंधित है झारखंड से। 23 से 24 जून 2022 को वैश्विक विकास के नए युग के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा, ठीक है। ये देखिए इतना लंबा सा थीम है, किसका थीम है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो हमारा 5 देशों का देश है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इनका सम्मेलन अभी जो है जो जून में हुआ ये कौन सा था, तो थीम यहाँ पे देख लीजिए इसको, 14th समिट था ये, और चाइना की जो है उसमें हुआ है मतलब चेयरमैनशिप में डिजिटल फॉर्मेट में। अभी जो अगला होगा जो समिट नेक्स्ट ईयर का, वो साउथ अफ्रीका जो है इसको चेयर करेगा। इसमें ये क्रम होता है कि जैसे जो ये ना नाम बना है ब्रिक्स, तो इसी हिसाब से चेयरमैनशिप ट्रांसफर होती रहती है। तो साउथ अफ्रीका के बाद फिर ये जो है ब्राजील का जाएगा, फिर रशिया का आएगा ना, तो ऐसे कुछ क्रम होता है। जून 2022 में जारी विश्व स्वर्ण परिषद यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है ना, तो इनकी रिपोर्ट आई थी, तो उसके अनुसार भारत जो है वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में कौन सा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो यानी कि जो गोल्ड है उसके रिसाइकलिंग में अगर हम वर्ल्ड में देखें इंडिया की रैंकिंग, तो ये है 4th, ठीक, ऑप्शन सी। अगला है कि 12 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग डे, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है विक्रम साराभाई जी की जो है जयंती पे, बी ऑप्शन। अगला देखिए जून 2022 में किस देश ने स्वदेशी नूरी रॉकेट, ठीक है, रॉकेट का नाम जो है नूरी है, तो इसके साथ से पहला उपग्रह जो है लॉन्च किया है, तो ये नूरी रॉकेट जो है इससे लॉन्च किया था सैटेलाइट इन्होंने जून में साउथ कोरिया ने, ठीक, बी ऑप्शन। पूरक ऑक्सीजन के बिना अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले स्काल जैंग रिगजिन, ठीक है, ये नाम है, तो पहले भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं, तो अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई कितनी है ये बताना है, ठीक। तो देखिए होता क्या है कि चूंकि अब पहाड़ इतने ऊंचे 8,000 मीटर ऊंचे पहाड़ है ये सब, तो वहां पे ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है ना, तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन कैरी करते हैं जो हमारे माउंटेनियर्स होते हैं, तो बिना इन्होंने जो है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के ये पूरा कारनामा किया है, अन्नपूर्णा पर्वत पे चढ़े हैं ये, तो कुल जो हाइट है अन्नपूर्णा की वो 8,091 मीटर है, ऑप्शन ए। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में, ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। तो पहले यह ध्यान रखिएगा कि कांस्य प्रतिमा बनाई गई है, 30 फीट ऊंची है, ठीक है, कहां पे, भीमावरम आंध्र प्रदेश में, ठीक। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है ये किस विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक जो है रंपा विद्रोह जो स्टार्ट हुआ 1922 के टाइम पीरियड में, ठीक है, उससे एसोसिएटेड है, तो ऑप्शन जो ए है इसको चूज करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है इसकी घोषणा कब की गई थी ये बताना है हमको, ठीक है। तो देखिए 2015 में है ना, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि लगभग 70 से अधिक जो है हाई परफॉर्मेंस वाले सुपर कंप्यूटर्स हैं, उसको पूरे इंडिया में अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशंस में कह लीजिए इंस्टॉल करके जो है सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड जो है उसको एस्टैब्लिश करना है, ताकि जो देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है उसको और अच्छा किया जा सके, ठीक। भारत में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिशत जो है लगभग कितना है, तो जितने भी हमारे यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर मतलब जो टोटल लैंड है इंडिया का, उसके अगर हम देखें कितने हिस्से में एग्रीकल्चर कितने प्रतिशत में किया जाता है, तो ये लगभग 7.4% है, ठीक। तो रफली जो है 60% का आइडिया रखिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने शहनाई को संगीत कार्यक्रम के मंच पर पेश किया, मतलब जो शहनाई बजाने का काम है, तो उसको एक तरीके से परफॉर्मेंस आर्ट का रूप दिया गया इनको जो है बहुत बड़े पैमाने पे, और इसी सब क्रम में 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, तो भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में जो एक समारोह आयोजित किया गया, तो उसमें भी इनको जो है यहाँ पे शहनाई कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया बजाने के लिए। तो कौन है शहनाई वादक जो है, बिस्मिल्लाह खान जी, ठीक है, काफी फेमस वादक रहे हैं, तो इनके बारे में आपको पता होगा, तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, इनका नाम ध्यान से देख लीजिए। आत्मकथा अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई है, तो ये जो है ऑटोबायोग्राफी है इनकी,
मैरी कॉम, ठीक है, जो बॉक्सर है हमारी इंडिया की। नेक्स्ट है कि डेविस कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ठीक है, तो डेविस कप का आयोजन किसके लिए होता है, टेनिस के लिए होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है, ठीक है, तो जैसे ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन में जो एसिड हेल्प करता है क्या होता है, आपके स्टमक में प्रोड्यूस होता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, HCl, तो ये है जो हमें मतलब हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में। डीडीटी हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि, ठीक है, तो देखिए डीडीटी के बारे में जो है बेसिकली ये क्या है, एक इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, ठीक है, क्रॉप्स वगैरह के लिए, ठीक है। फुल फॉर्म की अगर हम इसके बात करें डीडीटी की, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ऐसे बड़ा सा नाम होता है इसका, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में डीडीटी कहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए यूज होता है, लेकिन इसका बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट होता है। 1972 में सबसे पहले इसको यूएस में जो है बैन कर दिया गया था, ठीक है, तो हालांकि अभी भी जो है धीरे धीरे हर जगह बंद हुआ है, फिर भी कुछ कंट्रीज यूज करते रहे हैं इसको। तो होता क्या है कि केमिकल के रूप में इंसेक्टिसाइड कीड़ों को मारने के लिए बेसिकली कह लीजिए अगर आपने खेत में यूज किया तो उस टाइम तो कीड़े मर जाएंगे, परंतु ये जो डीडीटी आपने इस्तेमाल किया तो केमिकल्स इसके जो हैं वो एनवायरनमेंट में काफी जो है लंबे समय तक बने रहते हैं और एनिमल टिश्यूज वगैरह में भी काफी लंबे समय तक होते हैं अगर उनके अंदर चले जाते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव किस हिसाब से पड़ेगा, तो क्या है, जैसे देखिए अब नेचुरल तरीके से पॉलिनेशन या परागण वगैरह करते हैं मधुमक्खियां, ठीक है, जो एनवायरनमेंट के लिहाज से देखा जाए तो ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसे कीड़ों को भी तो ये मार देगा, उनके लिए भी हार्मफुल होता है अगर उनके बॉडी में जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ से जो है ये मोस्ट एप्रोप्रिएट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायिका को मल्लिका ए गजल, ठीक है, इसके रूप में जाना जाता था और 15 वर्ष की आयु में भारत की कोकिला यानी कि सरोजिनी नायडू जी को भारत की कोकिला कहा जाता था ना, तो उनके द्वारा जो है इनको प्रशंसित किया गया था, ये लिखा है। तो ये मल्लिका ए गजल के नाम से फेमस है बेगम अख्तर, ठीक, ध्यान रखेंगे क्लासिकल सिंगर है ये, बी ऑप्शन। इसमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव उस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से आच्छादित कर अवशोषित कर लेती हैं, ठीक। तो देखिए इसमें दो चीज बस जानी है कि एक कोशिकीय जीव होता है ये अमीबा, ठीक है, और यहाँ पे जो ये भोजन इसके करने का तरीका है तो ये होता है जो बाह्य कोशिका है ना, तो कोशिका झिल्ली के माध्यम से ये जो है आच्छादित करती है भोजन को। तो सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे, इसमें सी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या कह लीजिए खिलाड़ी को, यहाँ पे खिलाड़ियों के नाम लिखे हैं, तो एक काफी फेमस है लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, ठीक है, इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। तो पहली बार इसमें जो है भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा जो है, ये टोक्यो ओलंपिक्स में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ना जैवलिन थ्रो, उसमें सॉरी ये भाला फेंक में, ठीक, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। भारत के संविधान का इसमें से कौन सा अनुच्छेद जो है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पार्ट 3 में है उसका आर्टिकल आप 22 पढ़ेंगे तो वहां पे जो है ये प्रावधान मिलेंगे। उसमें यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, तो उसको उसके कारणों का पता बताना चाहिए, मतलब उसको बताया जाना होगा, ये प्रावधान है, तथा उसके जो है उसको डिफेंड करने के लिए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार हुआ है तो उसको जो है अपने आप को कह लीजिए अपने अपना पक्ष रखने के लिए जो है उसके पसंद के एक लीगल जो प्रैक्टिशनर है यानी कि वकील वगैरह लीगल कंसल्टेंट तो उसको चुनने का अधिकार है। तो ये सब के बारे में ही कहा गया है आर्टिकल 22 में, तो इसको थोड़ा डिटेल में भी देख लीजिएगा। भारत इसमें से किस वर्ष में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, ठीक है, तो जो क्रिकेट का एक आयोजन होता है ना चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये अब इंडिया में जो नेक्स्ट एडिशन होना है वो 2029 में होगा, ठीक है, तो यहाँ इस ऑप्शन में है नहीं तो ई ऑप्शन को चूज करेंगे। आगरा घराने की मलका जान कलकत्ता के किस नवाब के दरबार में दरबार की संगीतकार थी, ठीक है, तो कोर्ट की कह लीजिए म्यूजिशियन थी ये मलका जान, यहाँ पे वाजिद अली शाह जो है ना, इसके बारे में आपने जो है मिडिवल हिस्ट्री के टाइम पीरियड में पढ़ा होगा, तो इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1853 में उद्घाटन की गई पहली ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली थी भारत में, ये बताना है। तो देखिए अब यहाँ पे जब इंडियन रेलवे की शुरुआत हुई भारत में पहली बार 1853 AD में, डेट थी 16 अप्रैल, ठीक है, तो यहाँ पे मुंबई और थाने के बीच में यानी कि सी ऑप्शन जो है ये ट्रेन चलाई गई थी, लगभग जो है 34 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था, ठीक, इसको भी ध्यान रखिए।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? तो देखिए ओलंपिक्स के गेम में अगर हॉकी के खेल की बात करें तो इंडियन टीम जो है जो भारत की वन ऑफ द जो है मोस्ट सक्सेसफुल कह लीजिए टीम रही है, जिसमें सबसे ज्यादा पदक और मेडल्स की बात करें तो भारतीय टीम जो है प्राप्त कर चुकी है इसमें। तो सबसे पहला जो हमें गोल्ड मेडल मिला है ये मिला था इसमें 1928 में, है ना, आजादी से पहले ही 1928 में जो हमारा ओलंपिक्स हुआ था। तो इस ऑप्शन में है नहीं तो नन ऑफ द अबव जो है इसको चूज करेंगे। आप एक क्वेश्चन का हमको कमेंट करके आंसर बताइए, टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए थे 2020 के, है ना, तो उसमें इंडियन हॉकी टीम को कौन सा मेडल मिला था? 1800 में बिजली का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले पहले उपकरणों में से पावर बैटरी का आविष्कार करने के लिए कौन प्रसिद्ध था? ठीक, तो बैटरी के बारे में आप जो देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वर्ष 1800 में इसका इन्वेंशन हुआ, ये किया गया था ये एलेसेंड्रो वोल्टा के द्वारा। ठीक, ऑप्शन सी। किसकी आत्मकथा का शीर्षक एस अगेंस्ट ऑड्स है? ठीक है, तो ये टाइटल से जो है आत्मकथा लिखी है इन्होंने, टेनिस प्लेयर भारत की सानिया मिर्जा। देखिए पहले किस समूह को पैराफिन नाम दिया गया था इसमें से? तो आप केमिस्ट्री में जो है हाइड्रोकार्बन के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहां पे एल्केन के बारे में जहां पढ़ेंगे तो एल्केन को पहले जो है पैराफिन नाम दिया गया था। ठीक, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? ठीक, तो सबसे पहले हुए कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक, उसके बाद जाकिर हुसैन, और फिर तीसरे नंबर पे आ गए आपके ये वीवी गिरी। ठीक, ऑप्शन सी। देखिए लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब पता होना चाहिए, जरूर पूछा जाता है, कभी बीच में से उठा के ऐसे पूछ लेंगे तो उस समय फिर याद नहीं आता, तो ये क्रम जो है इसको याद करके चलें। देखिए कहा जा रहा है कि हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा समुद्र है जो लगभग 14,91,000 वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल को कवर करता है और यूरोप और भारत के बीच प्रमुख समुद्री मार्ग का एक हिस्सा है? ठीक, तो यहाँ पे ऐसे इंडिया का मैप आप देखते हैं, ठीक है, तो क्या है यहाँ नीचे देखिए इंडियन ओशन का एरिया है यहाँ पे। ठीक, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, अब ये एरिया जो है क्या है, अरब सागर ही तो है, तो उसी के बारे में यहाँ पे ये चीजें दे रखी हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। निम्नलिखित भारतीयों में से किसे नवंबर 2021 के महीने में 1 जनवरी 2023 से शुरू होकर के 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसमें कार्यकाल जो शुरू होगा इनका 1 जनवरी 2023 से 5 सालों के लिए, यहाँ पे जो ये भारतीय है इनका नाम है बिमल पटेल, यानी कि देखिए डी ऑप्शन। अब इसमें अगर एक बात ये करें कि अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग यानी कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन जो है इसकी फाउंडेशन हुई थी 1947 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे, तो इसके मेंबर के रूप में इनका जो है चयन हुआ है। आप ये बताइए कि इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है इंटरनेशनल लॉ कमीशन का? ठीक, कॉमेंट करके बताइए जरा। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी इसमें से कौन है? तो देखिए ये हैं पीवी सिंधु जो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं भारत की, ऑप्शन बी जो है इसको चूज करेंगे। 2016 में रियो ओलंपिक्स हुए थे, ठीक, उसमें इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल, और अभी जो 2020 वाला हुआ था टोक्यो वाला उसमें इन्होंने जो है ये जीता था ब्रॉन्ज मेडल। ठीक, तो 2 लगातार हो गए ना। एक व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो भारत के संविधान के तहत वह निम्नलिखित में से कौन सा पद धारण करने में अयोग्य है? तो देखिए इंडिया में कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का, ठीक है, आपके पास सिर्फ एक नागरिकता होनी चाहिए, तो अगर आपने अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ली तो आपकी यहाँ वाली जो है मान्य नहीं होगी। दूसरा, भारत में देखेंगे तो जितने भी ये पद यहाँ पर लिखे हैं, राष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद का सदस्य, किसी राज्य का महाधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के जज, तो इनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि वो भारत का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, रेजिडेंट वर्ड अलग होता है, सिटीजन अलग होता है। ठीक है, तो सिटीजन का मतलब नागरिक होना चाहिए, तो इसमें से वो अगर किसी विदेशी राज्य की नागरिकता उसने ले ली है तो वो किसी भी पद के लिए योग्य नहीं होगा, तो इसमें से सभी हैं, तो उपरोक्त, सॉरी एक सेकंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर यहाँ पे जो है क्विज में गलत वो हो गया है। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज पे लगा है, तो इसमें फिलहाल ये इसका इंग्लिश वाला हम देख लेंगे यहाँ पे, देखिए ठीक, तो इसमें सभी के लिए कंडीशन होगी, तो नन ऑफ दी अबव यानी मोर देन वन जो है ये करेक्ट होगा। ठीक, तो ध्यान रखें हिंदी में थोड़ा करेक्शन कर लेंगे आप। निम्नलिखित में से किसे सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जब रूल चल रहा था तो चार्टर एक्ट आया करते थे। ठीक है, तो चार्टर एक्ट का मतलब ये होता था, इसमें ध्यान रखिएगा कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो एक चार्टर एक्ट जो आता था वो 20 वर्षों के शासनकाल के लिए कह लीजिए, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो आता था, तो यहाँ पे जो चार्टर अधिनियम 1833 में आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कह लीजिए, तो इसको ही सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं है? ठीक है, तो हाईकोर्ट्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो अगर मान लीजिए कि किसी भी हाईकोर्ट का जो
जुरिसडिक्शन है यानी कि क्षेत्राधिकार है, तो यहाँ भी ऑप्शन देखिए, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर करना, ठीक है। तो किसी राज्य या यूटी से संबंधित जो ये जुरिसडिक्शन किसी हाईकोर्ट का हटाना है ना, तो ये प्रावधान जो है करने का अधिकार होता है हमारी संसद यानी कि पार्लियामेंट के पास। उसके अलावा यहाँ पे जो न्यायाधीश की आयु के विवाद के मामले का निर्णय, उच्च न्यायालय की शक्ति का निर्धारण, ठीक है, तो ये जो है शक्ति यानी कि जो संख्या होती है ये सब कर सकते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। अगले, उपराष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के कितने दिनों के भीतर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अभी जैसे अभी कुछ महीने पहले ही हमारे जो नए उपराष्ट्रपति हैं वो चुने गए, जगदीप धनखड़, ठीक है। तो उससे पहले वेंकैया नायडू जी थे। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद का जो वैलिडिटी है वो जुलाई एंड तक है, ठीक है। तो जुलाई एंड के जो है ये 60 दिन यानी कि 2 महीने के भीतर जो है ये चुनाव हो जाना चाहिए अगले उपराष्ट्रपति का। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं, ठीक। तो भूपेन हजारिका जी जो हैं ये प्रसिद्ध संगीतकार थे असम से, ठीक। अभी जो लास्ट ईयर भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिए गए थे, ठीक है, तो उसमें से एक भारत रत्न इनको भी मिला था, तो ये भी ध्यान रखिए। यहाँ से सी ऑप्शन को हम चूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ तक हमने आज के वीडियो में कंप्लीट किया है, सारे क्वेश्चन को आप प्लीज देख लीजिए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।